गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के लेसन के अंदर हम कार्य आराम और मनोरंजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों की कार्य आजीविका उसके बारे में प्रश्न के बारे में पता, पुनरावलोकन के प्रश्न क्या होंगे। ठीक है, उन प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने कर लिए होंगे वैसे। ठीक है, मैं भी आप लोगों को इसमें डालूंगी आंसर के लिए, जितना आप थोड़ा प्रयास करें पढ़ें। कार्य आराम और मनोरंजन, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसको एक निश्चित समय के बाद आराम की आवश्यकता होती है। कि आराम करने के बाद अपना थोड़ा मनोरंजन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर व्यक्तियों के पास, जिसके पास ज़्यादा पैसा जाता है, वो अधिकतर पैसा मनोरंजन में खर्च करना ही चाहता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिएगा। चलो अब लेसन शुरू करते हैं। सभी व्यक्ति अपनी पसंद, परिस्थितियों अथवा आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं। कार्य का प्रकार और मात्रा कार्य की परिस्थिति से निकट संबंध रखते हैं। अब इसमें क्या है, कार्य का प्रकार और कार्य की परिस्थिति क्या है उससे संबंध रखते हैं। ये दोनों बातें उत्पादन परिणाम को निर्धारण करती है, जो जीविका अवधि के महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छे परिणाम और उत्पादन से को प्राप्त करने में सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है कि वह आराम करे, थकावट मिटाए, स्वयं को तरोताजा करे और अतः बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आराम, मनोरंजन और अवकाश की गतिविधियों के अवसरों का लाभ उठाए। इसके लिए समय निकाले। अवकाश व मनोरंजन की गतिविधियां वे हैं जो आराम, सुख, भागीदारी उपलब्ध कराती है तथा विशेष रूप से हंसी मजाक, मनोरंजन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को आराम और अवकाश का अधिकार है। साथ ही कार्य करते समय औचित्यपूर्ण सीमा के अलावा समय समय पर सवेतन छुट्टियां मिलनी चाहिए। आप लोगों से मैं एक बात करना चाहूंगी कि जैसे राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा या अन्य देशों में 5 दिन का पीरियड होता है, वर्किंग पीरियड। ठीक है, कई जगह 4 दिन का भी है। मानसिक संतुष्टि के लिए थोड़ा सा आराम भी संडे को दिया जाता है और कार्य के घंटे भी निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि इसमें 8 घंटे हैं, किसी के 6 घंटे हैं। ठीक है, तो सबके कार्य के लिए व्यवसाय उसमें आराम के लिए स्थिति भी आवश्यक होती है ताकि शरीर वापस पुनः कार्य के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, व्यवसायों और विद्यार्थियों को काम के दबाव से बचने के लिए आराम करना चाहिए ताकि उनकी उत्पादकता प्रभावित ना हो। सबसे सामान्य और प्रभावी तरीका यह है कि किसी प्रकार के मनोरंजन में भाग लें। मनोरंजन कोई भी हो, इस प्रकार की गतिविधि जो शरीर, मन व आत्मा को आराम देती है तथा व्यक्ति को कठिन कार्य जो शारीरिक व मानसिक हो सकता है से राहत मिलती है। वास्तव में 8 घंटा प्रतिदिन की अवधारणा अथवा 40 घंटे प्रति सप्ताह की ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से शुरू हुई है। यहाँ बड़ी फैक्ट्रियों में औद्योगिक उत्पादन में कार्यशील जीवन के बदल रख दिया था। बदले में कार्य करने के लिए अधिक घंटे, अनियमित व निकृष्ट परिस्थितियों को थोप दिया गया था। बालाश्रम का चयन सामान्य था। सप्ताह में 6 दिन 10 से 16 घंटे की अवधि तक कार्य की अवधि प्रचलित थी। इस प्रकार एक नारा उभरा कि जो था कि 8 घंटे श्रम, 8 घंटे मनोरंजन, 8 घंटे आराम। अनेक देशों और संस्कृतियों में श्रम दिवस मई दिवस मनाया जाता है। 8 घंटे प्रतिदिन आंदोलन का पूरा इतिहास रहा है। विश्राम और मनोरंजन वास्तव में कार्य से थोड़ा राहत पाने के लिए होते हैं। मस्तिष्क सोचना, चिंता करना बंद कर सकता है यदि तंत्रिकाओं और पेशियों में कुछ विश्राम ना मिले तो। ऊर्जावान उनको आराम मिलते हैं तो वो ऊर्जावान होते हैं। कोई व्यक्ति जो भी काम या गतिविधि कर रहा है उसमें परिवर्तन करने से ये लाभ मिल सकता है। विश्राम के लिए व्यक्ति जिन परिस्थितियों को अपनाता है वे आराम प्रदाय व स्वास्थ्य प्रदाय, आनंद प्रदाय होना चाहिए। घर में परिवार के साथ बिताए हुए कुछ शांत घंटे, क्लब के उत्तेजित उद्गीर्ण करने वाले माहौल से बेहतर होते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में बिताए जाने वाले समय की अपेक्षा जल्दी जल्दी टहलना ज्यादा कारगर होता है। टेलीविजन देखना एक सबसे बड़ी समय बिताने वाला मनोरंजन की गतिविधि है।
कंप्यूटर का उपयोग कंप्यूटर व वीडियो गेम खेलना, पढ़ना, संगीत सुनना, फिल्म देखना, बागवानी करना, तैरना, गाना, मनोरंजन के लिए उदाहरण हम ले सकते हैं। संक्षेप में एक अर्थ है कि व्यक्ति को ऐसे काम में स्वयं को लगाना चाहिए जिसमें उसे आनंद मिले। कोई अभिरुचि होती है, मनपसंद खेल होता है, समय बिताना का कोई अन्य तरीका। जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता। कार्य, लोग कार्य के बदले धन प्राप्त करते हैं, उसे आय कहते हैं। धन जीवित रहने के लिए आवश्यक सामग्री और सेवाओं प्राप्त करने के लिए उपयोग में आता है। एक व्यक्ति जितना धन कमाता है, राष्ट्र की आर्थिक चक्र में उसका योगदान उतना ही अधिक होता है। यह जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है, सुधार लाता है, जीवन की गुणवत्ताओं में बेहतर बनाता है। जीवन स्तर सामान्य रूप से धन, दौलत व आराम के स्तर, भौतिक सामग्री और उपलब्ध आवश्यकताओं का द्योतक है। यह वह सुगमता है जिससे एक समय में एक स्थान पर रहने वाले लोगों और आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। जीवन में आर्थिक स्तर का संबंध उन भौतिक परिस्थितियों से है जिसमें लोग रहते हैं, सामग्री सेवाओं से है जिनमें वे काम में लेते हैं। आर्थिक स्रोत और जहां तक उसकी पहुंच है, पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, बेहतर जीवन के लिए मुख्यतः और मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जीवन स्तर मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर आधारित हो सकती है। हम बात करेंगे इधर आय, रोजगार की गुणवत्ता की उपलब्धता, माल और सेवाओं की लागत, सकल घरेलू उत्पाद GDP, राष्ट्रीय आय वृद्धि, घरों की गुणवत्ता और खरीदारी के लिए सामर्थ्य, प्रति वर्ष सवेतन छुट्टियां, शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता, बीमारी के प्रसंग, आर्थिक व राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक व असमानता, विषमताएं, गरीबी, आधारभूत ढांचा, आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए उपलब्ध धन, कार्य के घंटे। फिर उसके बाद हम लेते हैं बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के सामर्थ्य। फिर आगे आए जीवन प्रत्याशा, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता, पर्यावरणीय गुणवत्ता, सुरक्षा, जलवायु। जीवन स्तर का उपयोग प्राय क्षेत्रों और देशों की परस्पर तुलना के लिए किया जाता है। किसी देश के समय समय पर जीवन स्तरों की तुलना करने, उस देश की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। जीवन स्तर एक माप मानव विकास सूचकांक HDI भी है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकसित किया गया था। किसी राष्ट्र के विकास स्तर को मापने के लिए जन्म से समय, जीवन की प्रत्याशा, प्रौढ़, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP शामिल होता है। GDP किसी राष्ट्र क्षेत्र के भौगोलिक सीमाओं के एक निश्चित समय, सामान्य एक वर्ष में उत्पादित सभी सामग्री और सेवाओं का मूल्य होता है। यह सामान्य राष्ट्र की आय, आर्थिक उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बच्चों जीवन की गुणवत्ता के बारे में, ठीक है? जीवन की गुणवत्ता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे।